Oldbridge Capital की 100% सब्सिडरी Oldbridge Asset Management अपना पहला म्यूचुअल फंड Oldbridge Focused Equity Fund अगले हफ्ते 17 जैन को ओपन कर रही है। ये फोकस्ड एक्विटी फंड है। फोकस से हमारा तात्पर्य है कि हम फोकस करेंगे उन सेगमेंट्स पे इकोनॉमी के जो हमको लगता है जिनकी ग्रोथ साइकिल अगले डेकेड में है, एंड एट द उसी समय हम सर्टन सेगमेंट्स ऑफ द इकॉनमी जो हमको लगता है आउटराइटली प्राइस्ड हैं, हम उससे उसमें नहीं इन्वेस्ट करेंगे। ये फोकस्ड एक्विटी फंड हमारा पहला फंड है, बट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी जो हम पिछले 7 साल से करते आ रहे हैं उसकी एक एक्सटेंडेड जर्नी है। स्टॉक मार्केट कैसा है, आपका काम क्या है? मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि हाँ मार्केट पिछले साल के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव है, बट हमारा हमेशा ये मानना रहा है कि मार्केट में हमेशा कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज होते हैं, कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जो फेयरली वैल्यूड होते हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के हिसाब से हम बिलीव करते हैं कि साइक्लिकलिटी रहती है मार्केट में। 90 का दशक अगर देखें तो आईटी आउटसोर्सिंग का था जब तक कि डॉट कॉम बबल हुआ। 2000 से 2008 अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिलेटेड दशक रहा है। 2008 से 2020 देखें तो कंज्यूमर्स और कंज्यूमर फाइनेंशियर्स का दशक रहा है। तो साइक्लिकलिटी रहती है, कोई एक कंपनी हर समय अच्छा नहीं करती है। हमारा ये मानना है कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त ये डिफरेंशिएट करना चाहिए कि ये एक अच्छी कंपनी है या उस समय पर ये वो एक अच्छा स्टॉक है। उस इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी से वैल्यूएशंस को मद्देनज़र रखते हुए हम पोर्टफोलियोज बिल्ड करते हैं। हमारा इंडेवर हमेशा है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी को नज़र में रखते हुए पोर्टफोलियोज बिल्ड करते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज 20 से 25 कंपनीज का। आने वाले डिकेड पे कौन सा कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है? हमारा ये मानना है आने वाले दशक में ये इंडिया का टाइम है जब इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मार्केट शेयर लेगी। अगर इंडिया को 3% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी से 4 या 5 या 7 जाना है तो वो ग्रोथ जो आएगी वो एक्सटर्नल फेसिंग बिजनेसेस से हमको लगता है आएगी। वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस एक्सपोर्टिंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कमोडिटीज हुआ, फार्मा हुआ, टेक हुआ, एनी कैपेबिलिटी जिसमें इंडिया का नीश है एंड ग्लोबल सप्लाई चेन्स प्लेस में है उनसे आएगी। कोई भी इनवर्ड लुकिंग बिजनेसेस, कंज्यूमर फाइनेंसियर्स इस दशक में स्पेशली क्योंकि एक इन्फ्लेशनरी डेकेड है उसमें थोड़ा मॉडरेट रहेंगे। हर फंड मैनेजर 12% गारंटी देता है, आप भी वो भी जाएगा कुछ कॉन्ट्रैक्ट देता है। सो इक्विटी मार्केट्स में परफॉर्मेंस अश्योर करना या आकलन लगाना मुश्किल है, बट मैं यही कहूँगी जैसा कि अभी हमने बोला था कि बेंचमार्क इस फंड की S&P BSE 500 है। हमारा इंडेवर ये रहेगा कि ओवर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम हम इन्वेस्टर्स को प्रूडेंट रिटर्न्स दें।